तो आइए, सभी स्टूडेंट के मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या मैं 10th के बाद क्या कर सकता हूँ। तो आइए, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते मैं यानी आपका भाई आपको आज बारीकी तरीके से सभी चीजों के बारे में जानकारी देगा। तो आइए, आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको फुल्ली जानकारी देते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 10th के बाद आप साइंस को भी कर सकते हैं, कॉमर्स भी कर सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं, यह तीनों स्ट्रीम को आप ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसके अलावे आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं, लेकिन किसी में से आप एक ही कर पाइएगा। या तो साइंस से नाम एडमिशन करवा के इंटर पढ़िए, कॉमर्स से नाम एडमिशन करवा के इंटर पढ़िए, आर्ट्स से नाम एडमिशन करवा के इंटर पढ़िए, या फिर पॉलिटेक्निक कीजिए, या फिर पैरामेडिकल कीजिए, या फिर ITI कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उस स्थिति में आपको साइंस से नाम लिखवाना होगा और साइंस में भी आपको मैथ्स से नाम लिखवाना होगा। साइंस में दो स्ट्रीम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि नहीं, मैं मेडिकल के क्षेत्र में जाऊंगा। तो जो स्टूडेंट मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए देखिए क्या करना होगा। साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग बोलते हैं PCM। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और एक होता है आपका PCB, इसको बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है या एयरफोर्स, नेवी वगैरह में जाना है, तो वैसे स्टूडेंट को PCM से नाम एडमिशन करवाना होगा, और PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यह तीन सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा दो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेना होगा, एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। आप इसके अलावा भी, आप जरूरी नहीं है कि हिंदी ये ले सकते हैं, आपको उर्दू समझ में आता है तो उर्दू लीजिए, जो मैथिली समझ में आता है मैथिली लीजिए, बंगला समझ में आता है बंगला लीजिए, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज को आप ले सकते हैं, लेकिन एक हिंदी एक इंग्लिश होना चाहिए और दूसरा आपका हिंदी, और नहीं तो उर्दू, जो आपको समझ में आता है उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आपको फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा, बायोलॉजी लेना होगा। तो आपका मेन हो जाएगा बायोलॉजी, इसमें आपका इसमें मेन हो जाएगा मैथमेटिक्स। क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स। इसके अलावे आपको इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा और हिंदी लेना पड़ेगा। एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए यह ऑफर होता है कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी से नाम एडमिशन करवाया है वो एक्स्ट्रा में ले सकता है मैथमेटिक्स को। किसको? मैथमेटिक्स को। अगर आप बायोलॉजी से नाम एडमिशन करवाए हैं और एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैथ में आपको कम भी नंबर आता है, अगर फेल भी हो जाते हैं, बाकी बात सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको पास समझा जाएगा। तो यह वैसे स्टूडेंट के लिए होगा जो स्टूडेंट मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो इस विषय को ले सकते हैं। इसके अलावा है आपका कॉमर्स। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब करूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं CA बनूं, मैं बैंक ऑफिसर बनूं, तो वैसे स्थिति में, या फिर बड़ा बिजनेसमैन बनूं, तो उस हालात में आपको कॉमर्स से नाम एडमिशन करवाना चाहिए। और कॉमर्स से नाम एडमिशन करवाने के लिए आपको इन विषय को आपको लेना होगा। इसके अलावा सब में इंग्लिश हिंदी तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सरकारी जॉब चाहिए, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स को लेकर के ही आप सरकारी जॉब को कर सकते हैं, आप साइंस से भी और कॉमर्स से भी सरकारी जॉब को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स से नाम एडमिशन करवाते हैं तो आप क्लास 11th से ही, यानी कि इंटर से ही आपका जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाएगी।
उस स्थिति में आपको क्या होगा कि आर्ट्स वाले विषय में आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी तीन गो सब्जेक्ट को आपको लेना होगा। और आपका दो रहेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक रहेगा आपका इंग्लिश और दूसरा रहेगा आपका हिंदी, ठीक है ना। हिंदी के बदले में मैंने बता दिया आपको कि आप उर्दू ले लीजिए, या जो समझ में आता है लैंग्वेज संस्कृत आता है तो संस्कृत ले लीजिए, जो समझ में आता है वो ले लीजिए। तो आप इतना में से, इन दसों सब्जेक्ट में से आप किसी तीन को ले सकते हैं। आप हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, या इकोनॉमिक्स लीजिए, या साइकोलॉजी लीजिए, या सोशोलॉजी लीजिए, या फिलोसफी लीजिए, या होम साइंस लीजिए, या म्यूजिक लीजिए। इसमें मैथमेटिक्स भी आता है, आर्ट्स में मैथमेटिक्स भी आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। तो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जियोग्राफी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता है आपका, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, साइकोलॉजी में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, सोशोलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, फिलोसफी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, होम साइंस में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, म्यूजिक में होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल, और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप चाहे तो दो प्रैक्टिकल वाला ले सकते हैं, और एक नॉन प्रैक्टिकल वाला लेकर के, और एक इंग्लिश और एक हिंदी लेकर के आप आर्ट्स स्ट्रीम से नाम एडमिशन करवा सकते हैं। आप चाहे साइंस लीजिए, चाहे कॉमर्स, चाहे आर्ट्स, आप सरकारी नौकरी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आर्ट्स से नाम एडमिशन करवाते हैं और चाहते हैं कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में जाऊं, मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाऊं, तो आप नहीं जा सकते हैं, इतना बात को ध्यान रखिएगा। आपको अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से नाम एडमिशन करवाना होगा। आप सीए की तैयारी करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स से ही नाम एडमिशन करवाएं। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे एयरफोर्स निकालना है, मुझे नेवी निकालना है, एनडीए निकालना है, तो उसके लिए आप साइंस स्ट्रीम से नाम एडमिशन करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर जिस छात्र का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आर्थिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाला जाता है इंट्रेंस एग्जाम, वो इंट्रेंस एग्जाम को पास करके वह पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई को कर सकता है। 10th के बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा यह इंट्रेंस एग्जाम निकाला जाता है पॉलिटेक्निक के लिए भी, पैरामेडिकल के लिए भी और आईटीआई के लिए भी। तो आप यहाँ से उन इंट्रेंस एग्जाम को पास करके इजिली आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में नाम एडमिशन करवा सकते हैं। यदि आप सरकारी इंट्रेंस एग्जाम को निकाल लेते हैं तो जहाँ पॉलिटेक्निक करने में आपको 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लगता है, वहाँ पर आपको आराम से 20,000-25,000 में आपका नाम एडमिशन हो जाएगा, और आपका 20,000-25,000 रुपया में आपका कहानी समाप्त हो जाएगा पूरा 3 साल। तो कहने का मतलब है कि आप इंट्रेंस एग्जाम निकालिए, और इंट्रेंस एग्जाम निकाल करके और आराम से आप तैयारी कीजिए, और कोई भी आप प्राइवेट जॉब में इसको करने के बाद आप जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी विषय के बारे में आप बिल्कुल बारीकी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को यह बात की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सभी दोस्तों के पास इन वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।